वाराणसी स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में 3 दिवसीय शहनशाहपुर परिसर में विशाल क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में उत्तर प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ हिमांशु पाठक भी उपस्थित रहे। इस दौरान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान द्वारा 6 राज्यों का कृषि मेला प्रारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा शामिल है। इन 6 राज्यों के किसान यहां आए हुए हैं और खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों से किसान इन 3 दिनों के मेले में शामिल हो रहे हैं और किसानों के द्वारा नए नए प्रयोग और उनकी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों की जानकारी करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इन मेलों के माध्यम से जो नए बीज हैं वो किसानों तक पहुंच सके। यहां पर वैज्ञानिक भी कई संस्थान के आए हुए हैं, तो यहां चर्चा परिचर्चा के माध्यम से नए प्रकार की बीज, नए कृषि यंत्र और बदलते हुए जलवायु के भीतर कौन सी सटीक फसल हम लगाएं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके, इस पर विमर्श करेंगे। किसान आए हैं और उसका कितना फायदा मिलेगा? ये वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का एक ब्रांच है। यहाँ पर 6 राज्यों का ये आज से कृषि मेला प्रारंभ हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये 6 राज्यों के किसान भाई यहाँ पर आए हुए हैं और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जनपदों के किसान इन 3 दिनों के इस 3 दिवसीय मेले के भीतर वो सम्मिलित होंगे और किसानों के द्वारा नए नए प्रयोग और जो उनकी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों की जानकारी करेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इन मेलों के माध्यम से जो नए शोध और नए बीज हैं वो किसान भाइयों के बीच में पहुंच सके। यहां पर वैज्ञानिक गण भी कई संस्थानों के आए हुए हैं, विश्वविद्यालयों के आए हुए हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी कृषि वैज्ञानिक रहेंगे, तो सब इसमें चर्चा परिचर्चा के माध्यम से नए नए प्रकार की बीज, नए कृषि यंत्र और खरीदने के तौर तरीके क्या बदल रहे हैं और बदलते हुए जलवायु परिवर्तन के भीतर कौन सी सटीक फसलें हम लगाएं जिससे हमारा उत्पादन बढ़ सके, इस दृष्टि से यहाँ पर 3 दिन की चर्चा होगी और उस कार्य उस मेले का मैं आज यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए। मंत्री जी, वैज्ञानिकों का खोज का लाभ किसानों तक नहीं पहुँच रहा है जैसा कि ये आपको कैसे बता दिया, तो इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? आपके पास कौन सी एजेंसी है जिसने ये बात बताई? आज राज्य का उत्पादन, हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो जब हम आए थे, जब चार्ज लिए थे उस समय से 100 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा प्रतिवर्ष हो रही है। हमारे किसानों ने नई वैरायटी नहीं लगाई होती, वैज्ञानिकों ने उसका शोध नहीं किया होता, उनका शोध लैब टू लैंड, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि जो लैब में रिसर्च हुआ उसको लैंड तक पहुंचाओ, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उस काम को कर रही है, हमने किया है। इसी नाते मैंने कहा कि हमको 2 पुरस्कार मिल चुका है 7 साल के भीतर। एक मिला है अधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए, जो नंबर 1 का राज्य आया उत्तर प्रदेश, और दूसरा हमें तिलहन के उत्पादन में हमने 5 लाख मेट्रिक टन की वृद्धि जो किया उसके लिए प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा हमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला, हमें माने उत्तर प्रदेश सरकार को मिला। उसमें हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे कृषि विभाग के कर्मचारी अधिकारियों का और साथ साथ में किसान भाइयों के परिश्रम के कारण ये संभव हुआ है। सिर्फ हमारे भाषण से नहीं हुआ है, हम लोगों ने उनको इनपुट उपलब्ध करवाए, समय से उनको बीज उपलब्ध करवाए, समय से पानी उपलब्ध कराए, तकनीकी कराई और प्रसार के माध्यम से उनको जान